हेलो बुक बडीज, कैसे हैं आप सब दोस्तों। अब हम लोग सफर के लिए निकल पड़े हैं टुवर्ड्स द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन जॉर्डन, वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, पेट्रा। अगर आप जॉर्डन आए और आपने पेट्रा नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जिन्हें पेट्रा नहीं देखा वो जमया ही नहीं। पेट्रा अमान से तकरीबन 230 किलोमीटर दूर है और आपको वहां तक पहुंचने में तकरीबन 3-3.5 घंटे लग जाएंगे। देर आर टू वेज थ्रू विच यू कैन रीच पेट्रा। महंगे वाला ऑप्शन टैक्सी का है, विच विल कॉस्ट यू समवेयर बिटवीन 60-80 जॉर्डेनियन दिनार्स, जो पाकिस्तानी तकरीबन 19-20 हजार रुपए बन जाएंगे। दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, अगर आप 3-4 लोग हैं तो आप आपस में डिवाइड कर सकते हैं। The most reasonable way to go to Petra is via bus. आपको बस मिलेगी from Abdali bus station in Amman, जो आपको वादी मूसा तक ले जाएगी। Petra दरअसल वादी मूसा में मौजूद है। ये बस सुबह 6:30 बजे निकलती है Petra के लिए और वापस आती है 5 बजे। इसकी टिकट कॉस्ट है 11 जॉर्डेनियन दीनार each way, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2700 रुपए बनते हैं, which is quite reasonable. दोस्तों, पेट्रा की एंट्री टिकट है 50 जॉर्डेनियन दिनार्स और मेन एंट्रेंस गेट से ट्रेजरी तक का फासला है 2.6 किलोमीटर। सो दोस्तों, हम लोग पेट्रा पहुंच चुके हैं एंड इट्स स्नोइंग। एक्चुअली बहुत ही छोटे छोटे स्नो के ड्रॉपलेट्स हैं या स्नोबॉल्स, व्हाटएवर यू मे कॉल इट। -2 हो रहा है यहाँ पे इस टाइम एंड इट्स स्नोइंग। अनबिलीवेबल। This is the group I'm traveling with. Lovely people. यहां पर जिहाद पेट्रा के मैप को एक्सप्लेन कर रहा है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ द होल सिटी वॉज अरेंज्ड। सो दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पेट्रा शहर के एंट्री गेट पर, ठीक है जी, और मैं आपको डैम से, सीख से होता हुआ ट्रेजरी तक लेकर जाऊंगा। ये वो जगह है जो सबसे मोस्ट विजिटेड प्लेस इन जॉर्डन है। 95% टूरिस्ट अपना सफर पेट्रा का यहीं पे खत्म कर देते हैं, लेकिन मजे की बात ये है कि असल शहर जो है पेट्रा का वो यहीं से शुरू होता है। थिएटर है, आगे स्ट्रीट्स हैं, चर्च है, टेम्पल्स हैं, एंड दिस गोज ऑल द वे। यहां से फिर वो सीढ़ियां शुरू होती हैं जो तकरीबन 800-900 सीढ़ियां, एंड इट टेक्स यू ऑल द वे टू मॉनेस्ट्री। सो दोस्तों, हम लोग कभी भी सफर आधा नहीं छोड़ते, तो मैं आपको ऑल द वे टिल मॉनेस्ट्री लेकर जाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर पीपल हु कांट वॉक दैट मच, उनके लिए इस तरह की गाड़ियां भी अवेलेबल हैं। दिस इज द एंट्रेंस फॉर पेट्रा। And it's freezing cold, -2 temperature. Oh my god! और चलते चले जा रहे हैं हम लोग। Beautiful. आप आगे देखते जाएं, आपको क्या खूबसूरत चीज मैं दिखाने वाला हूँ आज। और दोस्तों, अब हम एंटर हो रहे हैं एक ऐसे पैसेज वे में विच इज एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर। इसको सीख कहते हैं। ये वो रास्ता था जिसके थ्रू लोग पेट्रा की तरफ जाते थे। बाय द वे, बैक इन द डे पेट्रा वाज अ मेन ट्रेडिंग रूट इन द मिडिल ईस्ट। ये देखें, हजारों साल पहले भी उन्होंने पानी का बेहतरीन बंदोबस्त किया हुआ था। ये चैनल आपको सीख के दोनों तरफ नजर आएगा। इसके थ्रू पेट्रा के लोग मेन शहर तक पानी को पहुंचाते थे।
सो चलते चलते एक छोटा सा केव है, इसके अंदर चलते हैं। पाथवे है, केव नहीं है। और यहां से यू कैन हियर साइलेंट स्पीकिंग, जस्ट लिसन टू दिस। पेव्ड रोड, इसमें ये बता रहे हैं कि ये रोड्स जो हैं ये पेव की थी इन्होंने आज से 2100 साल पहले, 2100 साल पहले ये रोड बनाई थी। दिस वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल वॉक एवर। यहां पर एक और फैक्ट बताता चलूं, मंडे वेंसडे एंड थर्सडे को यहां पर एक कमाल का शो होता है जिसको कहते हैं पेट्रा बाय नाइट। होता यह है कि रात को इस सीक के पूरे रास्ते में ये लोग बहुत ही खूबसूरत कैंडल्स रख देते हैं और आप जब यहां पर चलते हैं तो आपको लगता है आप फेरी लैंड में चल रहे हैं। और इवेंचुअली जब आप ट्रेजरी तक पहुंचते हैं तो पूरी ट्रेजरी पर सैकड़ों कैंडल्स एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस देती हैं। इसकी कुछ इमेजेस और वीडियोस मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। आपने जब भी यहां आना है यू हैव टू मेक श्योर कि पेट्रा बाय नाइट आपने जरूर अवेल करना है। इसकी कॉस्ट होगी 17 जॉर्डेनियन दिनार्स। सो दोस्तों, यू आर अबाउट टू सी द अल्टीमेट प्लेस इन जॉर्डन एंड दैट इज ट्रेजरी एट पेट्रा। हियर यू गो, this is the most famous place here. Welcome to Petra. वेलकम टू जॉर्डन। दोस्तों, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं जॉर्डन का सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट पे, जो कि है पेट्रा। और आपको मेरे पीछे ट्रेजरी नज़र आ रही है। ये बहुत ही खूबसूरत ओल्ड टाउन था, एक सिटी थी जो नैबटियंस ने डेवलप किया था, एक अरब ट्राइब थी आज से 2000 से भी ज़्यादा साल पहले। और ये बहुत ही खूबसूरत एक ट्रेजरी है जो पूरी दुनिया से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। सो दोस्तों, ये वो जगह है मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ पर आपको पैसे देने पड़ते हैं अच्छी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। Look at this. You have to climb. ज़्यादातर लोग अपना सफ़र ट्रेजरी तक ख़त्म कर देते हैं, वहाँ पर पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई एंड दे आर ऑन देयर वे बैक। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि असल पेट्रा का शहर तो ट्रेजरी के बाद ही शुरू होता है, जैसा मैंने आपको पहले मैप में दिखाया। आपने जब भी आना यू हैव टू मेक श्योर कि यू गो ऑल द वे टू द टॉप ऑफ मॉनेस्ट्री। थोड़ा आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा बट यू विल नॉट रिग्रेट इट। ये पूरा शहर था दोस्तों, यहाँ की रोड थी, यहाँ पे सैनिटेशन का सिस्टम था, वाटर चैनलिंग का सिस्टम था, यहाँ पे थिएटर था, यहाँ पे ट्रेजरी थी, ये बहुत मेजर ट्रेड रूट था। इट्स अमेजिंग। सारे अगेन टूम्स एंड टेंपल्स हैं पेट्रा के।
which are along the way. Just look at the size of these. Colossal. My goodness. These are shops on the way. Hello. How are you? How far is the monastery from here? 1 hour? 1 hour. दोस्तों हम लोग तकरीबन 50 लोग चले थे एंट्रेंस गेट से और सिर्फ 4 लोग मॉनेस्ट्री तक पहुंच पाए। यू कैन सी 2 ऑफ दोस जेंटलमैन इन द पिक्चर राइट नाउ। आगे ग्रीन शर्ट में है डॉक्टर लारेब, इनसे अच्छी गपशप लगी ऑन द वे टू द मॉनेस्ट्री। और उनके पीछे है मेरा दोस्त इब्राहिम। इब्राहिम का ताल्लुक लोरा लई से है और इसका जो पैशन है ट्रैवलिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए, शूटिंग के लिए, वो क्या ही कमाल है। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। So back in the day, जब मगरिब का टाइम होता होगा, that's it for them. Life ends. आपका नाम कैसे आया? हाँ? आप लोग का नाम कैसे आया? पैसा तो पूरा देखना। हाँ। इधर से ट्रेजरी से यही, ये सीख वाला था ना? नहीं कौन सी जगह पर? बस वो ट्रेजरी तक। ट्रेजरी तक। That was mind blowing. One hell of a experience. You make good tea? Yeah. You live over here? Yeah. You live over here? Yeah. Since how long? No, no, I don't want tea. Yeah. No, no. That's okay, we are just moving ahead. I will come here. We'll come back. Promise. So guys, after 1 hour, more than an hour of walk, we are finally there. Janab, finally we are at the monastery. Oof, what a walk it was. डेढ़ घंटा लगा। जब आप मॉनेस्ट्री तक पहुंचेंगे तो आपको अंदाजा होगा इसके ग्रैंडर का। Thank you.
और उसके बाद फिर हमने वापसी का सफर शुरू किया फ्रॉम मॉनेस्ट्री ऑल द वे टू एंट्रेंस गेट, जो अगेन 1.5-2 घंटे की वॉक थी। Wow!